नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज फिलहाल एक एक से बराबरी पर है और चौथा टेस्ट मैच अब ओवल में शुरू होने जा रहा है। ऐसे में टीम इंडिया के धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा से जब टीम के खराब प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय टीम ने देखिए खराब बल्लेबाजी की है, पिच को हम दोष नहीं देंगे, पिच काफी शानदार थी, पिच पर बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी थी और अगर हम 2 घंटे या 3 घंटे थोड़ा बेहतर बल्लेबाजी करते तो शायद हम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि टीम में कॉम्बिनेशन में खिलाने को लेकर भी एक कई बड़े सवाल हो रहे थे, तो रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि देखिए हर खिलाड़ी को अपनी एबिलिटी का पता होता है, आप मैच के बाद इन चीजों को समझते हैं कि आपने किस खिलाड़ियों को मौका दिया था और किस खिलाड़ी को मौका दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारत ने इस मुकाबले में कई ऐसी गलतियां की हैं, टीम मैनेजमेंट से गलती हुई है टीम कॉम्बिनेशन को खिलाने को लेकर, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले मुकाबले में प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रोहित शर्मा का ये बयान विराट कोहली से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अमूमन विराट और रोहित के बीच रिफ्ट्स की खबरें भी सामने आती रहती हैं और एक बार फिर रोहित शर्मा के इस बयान ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। रोहित शर्मा ने साफ कह दिया है कि देखिए टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं था तीसरे टेस्ट मैच में और अब भारत को चौथे टेस्ट मैच में अगर जीतना है तो कुछ थोड़ा सा अलग प्रदर्शन करना होगा। वहीं इसके उलट विराट कोहली से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं कॉम्बिनेशन को चेंज करने के मूड में नहीं हूं, हालांकि हमने जो गलतियां की हैं और कौन सा खिलाड़ी फिट है अनफिट है उस आधार पर हम फैसला ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भारत ने खराब बैटिंग की है। तो रोहित और विराट के इस बयान के बाद एक बार फिर भारतीय टीम में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो इससे ड्रेसिंग रूम के माहौल में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा और शायद भारत उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अभी भले भारत एक टेस्ट मैच हारा हो लेकिन सीरीज खत्म नहीं हुई है, भारत बाउंस बैक करना जानता है और हमने देखा भी है बीते कई महीनों में टेस्ट क्रिकेट है और टीम इंडिया जिस तरीके से बीते कई सालों में टेस्ट क्रिकेट खेल रही है बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।